हेलो गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे आप सभी। सो गाइज आज जा रही है एलिपैची, यहाँ पास में कोई अराउंड 50 किलोमीटर के पास जगह है, वहाँ जा रही हैं। इधर ये जीजा जी तैयार खड़े हैं, बाकी जन का वेट हो रहा है। यहाँ से जाएंगे कोचनजेरी मार्केट के अंदर, वहाँ से बस पकड़ के जाएंगे एलिपैची जगह है 50 किलोमीटर के अराउंड, वहाँ जाएंगे। आज का नया व्लॉग यहीं से स्टार्ट होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस ये सुबह सुबह की मॉर्निंग वाइब्स। यहाँ से कुछ टाइम पैदल चल के जाना पड़ेगा, पास में मार्केट है, वहाँ से बस मिलेगी हमें, वहाँ से बस के द्वारा हम एलिपैची पहुँचेंगे। वहाँ थोड़ा बहुत बोटिंग सेशन है, बोटिंग होगी वहाँ की, क्योंकि लोग बोट के द्वारा 2 घंटे का सफ़र रहता है, किसी गांव से होकर गुजरती है, फिर एलिपैची जगह पर छोड़ती है, फिर वहाँ से वापस कोट्याम पहुंचना पड़ेगा, कोट्याम से वापस कोचनजेरी और फिर ऐसे घूम के वापस शाम को घर आ जाएंगे। लाइक जरूर कर देना। सो गाइज मार्केट की तरफ निकल लिया, कोचनजेरी की तरफ, वहां से बस पकड़ के आगे निकलेंगे। ये प्रकृति का शानदार नजारा। तो फाइनली गाइज मार्केट पहुंच चुके हैं, यहाँ से बस के द्वारा कोट्टायम पहुंचेंगे। कोचनजेरी के लिए बस मिल गई है, यहाँ से कोचनजेरी बस स्टैंड जाएंगे, वहाँ से कोट्टायम के लिए बस मिलेगी, वहाँ से कोट्टायम जाएंगे। अभी बस के अंदर है। कोचनजेरी बस स्टैंड से कोट्टायम के लिए बस मिल चुकी है, ये है वो बस। इस बस में अभी रवाना होंगे और यहाँ से चलेंगे। भाई लोगों बस चल चुकी है और अभी कोटी माता मंदिर स्टेशन बता रही है, वहाँ उतरेंगे, वहाँ से बोटिंग के लिए जाएंगे। ये केरला की गवर्नमेंट बस सर्विस है। फाइनली पहुंच चुके हैं केरला स्टेटमेंट बस स्टैंड पर कोट्टायम। यहाँ से निकलेंगे कोड़ी माता की ओर बस, वहाँ से जाएंगे बोटिंग पॉइंट पर। अभी पहुंच चुके हैं हम। सभी उतर चुके हैं यहाँ पर। सो फाइनली जिस बस से उतरे थे उस भैया ने हमें कोड़ी माता जाने वाली बस पे और हम अभी कोड़ी माता के लिए कोट्टायम से कोट्टमाती की ओर निकल चुके हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर का सफर है। तो गाइस कोड़ी माता उतर के अभी जा रही है पैदल, यहाँ से 500 मीटर वापस चलना पड़ेगा, फिर एक ब्रिज आएगा, ब्रिज को क्रॉस करके फिर लेफ्ट साइड 2 बार मुड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ से बोट में जाना पड़ेगा। ये यहाँ का मूर्ति शॉप त्रिशूर का, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे पड़ी है। तो गाइस ये है वो ब्रिज, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके उस पार से बोट चलती है, वहाँ जाना पड़ेगा। एलिपैची का बोटिंग पॉइंट यही है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा भरा हुआ है, अभी देखते क्या सिचुएशन रहती है, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। एलिपैची का बोटिंग पॉइंट तो यही है। टेम्पो मिल गया और सभी जा रहे हैं अभी बोटिंग पॉइंट की ओर। एक टैक्सी आगे जा रही है और एक में हम बैठे हैं, दोनों साथ साथ जा रही है। We'll be right back.
जी राम, जेट्टी पहुंच चुके हैं अभी, बोटिंग पॉइंट पे ही है, यहाँ से जाना पड़ेगा। हेलो गाइस, कांजीराम जेट्टी बोटिंग पॉइंट स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से ये बोट वगैरह चलेगी जो आपको दिखाई दे रही है। बोटिंग पॉइंट पे तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ से 4 बजे चलेगी, बहुत लेट चलेगी, इसलिए देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे बोट है जो 2 घंटे का रास्ता होता है, यहाँ से चलने के बाद नदी के रास्ते होते हुए कई गांवों से गुजरते हुए एलिपेसी छोड़ती है हमें। ये भाई साहब यहाँ पे फिशिंग करते हुए, ये अंकल यहाँ पर फिशिंग करते हुए, छोटी मच्छी आता है लेकिन इन अंकल को पसंद नहीं आई, ये कोई बड़ा हाथ मारना चाहते हैं। लेकिन है वो बोट जो 4 बजे निकलेगी यहाँ से और 6 बजे हमें एलिपेसी छोड़ देगी। स्टार्ट हो गई है और हमारी नाव अभी तक नहीं आई है, वेट करते करते हुए 4 बज चुके हैं। अपनी बोट भी आ चुकी है, ये जो सामने दिखाई दे रही है, ये जो आ रही है, इस बोट में हम रवाना हो गए। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, ये हमें एलिपेसी छोड़ देगी। फाइनली गाइस बोट आ चुकी है, बोट में अभी इंटर करेंगे फिर चलेंगे अपने स्थान की ओर। फाइनली गाइस बोट में बैठ चुके हैं और बोट रवाना हो चुकी है। तो गाइस अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हुए, तो गाइस ये बोट के अंदर का नजारा है, ये ड्राइवर भाई साहब है कि आप भी है, ये बर्सिलोना से आया हुआ कपल है, ये फैमिली बैठी है पीछे, एक ड्राइवर और है, और ये है हम विद पवन जी, हमारी बोट जा रही है अपने गंतव्य स्थान की ओर। आया सर, सो गाइस बोट चलती जा रही है और बोट के अंदर बैठे हैं, आज ये लगा आज तो बोट का